दोस्तों मैं विकास कोहली यूट्यूब पे लेके आ गया हूँ टेनिस रिगार्डिंग पोस्ट मैच एनालिसिस पर वीडियो। दोस्तों जो इस बार वीडियो लेके आया हूँ एटीपी रैंकिंग नंबर 7 नोवाक जोकोविच वर्सेस एटीपी रैंकिंग 19 कैरेन के ऊपर, और क्या मैच हुआ, शानदार प्ले किया सर्बिया के प्लेयर ने। एक बार फिर से बता दिया कि वो एटीपी रैंकिंग नंबर 1 के लिए क्यों इतने ज्यादा देर तक रहते हैं और ज्यादा टाइटल्स क्यों जीते हैं, इतनी कम देर खेला फिर भी टर्न के लिए क्वालिफाई हो गए, और अगर ग्रैंड स्लैम वाला रूल हटा दिया जाए तब भी वो टर्न के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे अगर एक दो मैचेस और जीत जाते हैं। क्या शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं जोकोविच। ये रीमैच था 2018 का फाइनल, 2018 के फाइनल में कैरेन ने जोकोविच को हराया था, तो बड़े मैच में कैरेन हरा चुके हैं जोकोविच को, बट इस बार उनकी एक ना चली जोकोविच के आगे। दोस्तों इसी के रिगार्डिंग पोस्ट मैच एनालिसिस लेके आया हूँ। एनालिसिस में बढ़ने से पहले एक बार आपको यही बता दूं कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लो ताकि सारी सारी अपडेट्स मिल सकें आपको तुरंत के तुरंत। दोस्तों अगर पोस्ट मैच एनालिसिस में बढ़े तो पहले सेट की ओर बढ़ते हैं। पहले सेट की शुरुआत बहुत अच्छी रही जोकोविच की, अपनी सर्विस गेम पे तो होल्ड रखा सर्विस गेम ब्रेक भी की उन्होंने कैरेन की, उसके बाद लग रहा था कि कैरेन जल्दी ही हार मान जाएंगे बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कैरेन भी हार मानने वाले खिलाड़ी नहीं है। क्या शानदार प्रदर्शन किया उन्होंने भी सर्विस गेम, तुरंत ब्रेक बैक की, 2-2 से बराबरी की, 3-3 हुआ, 4-4 हुआ, उसके बाद 4-4 हुआ, जोकोविच ने सर्विस गेम ब्रेक की, 5-4 से लीड किया, अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा, 6-4 से पहला सेट जीता। उसके बाद धीरे धीरे लग रहा था कि जोकोविच का टॉप गियर लड़ने लड़ वाला है, मतलब शानदार परफॉर्मेंस और ज़्यादा देर यानी करते जा रहे हैं धीरे धीरे जैसे जैसे खेल रहे हैं। उसके बाद सेकेंड सेट में और बढ़िया प्रदर्शन रहा, शुरू में तो 1-1 रहा, उसके बाद जो 1-1 रहा उसमें कैरेन 40 लव थे, उसमें भी काफ़ी उन्हें सामना करना पड़ा मुसीबतों का, वो इसलिए क्योंकि काफ़ी बार ब्रेक पॉइंट्स आए बट इन द एंड बचा लिए, ब्रेक पॉइंट्स 1-1 कर ही दिया। उसके बाद जोकोविच ने सर्विस गेम 2 बार सर्विस गेम ब्रेक की, अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखते रहे और सेकंड सेट में 1 सर्विस गेम के ज़्यादा जीतने भी नहीं दिया, और 6-1 से सेकंड सेट जीता, पहला सेट जीता 6-4 से, सेकंड सेट जीता 6-1 से, अब वो नेक्स्ट राउंड में प्रवेश कर चुके हैं, क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं जोकोविच। क्या शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, लाजवाब प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों अगर स्टैट्स की नज़र डालें तो स्टैट्स में 10-1 हो गया, इससे पहले 9-1 रिकॉर्ड था, 10-1 हो गया है। कैरेन ने एक ही बार हराया था और वो बर्सी में ही हराया था पेरिस में, इस बार वो नहीं हरा पाए पेरिस में। दोस्तों अगर मैच के स्टैट्स की नज़र डालें तो एसी ज़्यादा नहीं लिए ना डबल फॉल ज़्यादा हुए दोनों प्लेयर द्वारा, बट रैलीज में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन मिला है और जोकोविच ने जो लेवल रेस किया सेकंड सेट में वो काबिल तारीफ है। 2-2 एसीज लिए, 8 डबल फॉल ज़्यादा की है, उससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। ब्रेक पॉइंट्स जो डाले तो ब्रेक पॉइंट्स में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि 0 out of 1 एक बार ब्रेक पॉइंट आया वो जोकोविच सेव नहीं कर पाए, ये कैरेन के लिए अच्छी बात है, बट कैरेन के लिए अच्छी बात ये नहीं है क्योंकि उनके पास जब वो सर्विस करवा रहे थे 8 बार ब्रेक पॉइंट्स जोकोविच लाने में सक्षम थे, उसमें से 4 बार कैरेन ने सेव किए बट 4 बार सेव करने में कामयाब नहीं दे। दोस्तों आपको क्या लगता है कि अगले मैच में कैसा प्रदर्शन करेंगे जोकोविच, और जोकोविच का जब नेक्स्ट मैच होगा तो उसमें कैसा प्रदर्शन करेंगे जोकोविच, अब अपनी राय दे, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, ढेर सारा प्यार देते रहो। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।